ઓરપેસારી જતા આગળ વધે બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ કંપનીના મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાયેલા છે. આપણે ડિટેલમાં તેમની સાથે ચર્ચા કરીશું અને તેમના માટે સ્ટરલાઇટ ટેકનોલોજીસ જે છે તે કંપની આજે આપણા ખાસ રડાર ઉપર છે. બે એક સમાચાર છે આ કંપની માટે. એક તો પરિણામ ખૂબ જ સોલિડ આવ્યા છે આ ક્વાર્ટરમાં, અને તે સાથે જ ભારત નેટના ફેઝ ટુ નું પણ જે છે લોન્ચિંગ અહીંયાથી ઓર્ડર્સ આપવાના શરૂ કરશે. તેમાં ડિટેલમાં ચર્ચા કરવા આપણી સાથે કંપનીના સીએફઓ અનુપમ જિંદલ અત્યારે આપણી સાથે જોડાયેલા છે. अनुपम आपका स्वागत है शो के अंदर. दो चीजें मैं समझना चाहता हूँ. सबसे पहले ये भारत नेट कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपकी कंपनी के लिए, और उसको और टैप करने के लिए और ऑर्डर्स विन करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? ये भारत नेट का जो अभी अनाउंसमेंट आया है एक्सटेंशन का, ये बहुत अच्छा कंट्री के लिए डेवलपमेंट है. क्योंकि कंट्री अगर ब्रॉडबैंड की तरफ जाती है जहां गांवों में भी दूर दराज के गांवों तक भी अगर एक्सेस मिलती है तो बहुत अच्छा रहेगा कंट्री के लिए डेवलपमेंट के लिए. जहां तक स्टरलाइट की बात है, ये स्टरलाइट ग्लोबल कंपनी है, फाइबर में है और उसके अलावा नेटवर्क इंटीग्रेशन में भी काफी बड़ा प्राइवेट सेक्टर में नाम है. सो ये भारत नेट टू में पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर को भी अभी अपॉर्चुनिटी मिलने का है. तो उसमें ऑन इमीडिएट बेसिस कहना मुश्किल होगा कि स्टरलाइट के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि नेचुरली गवर्नमेंट कुछ प्रोसेस फॉलो करेगी ऑर्डर करने के लिए, उसमें स्टरलाइट अपने हिसाब से पार्टिसिपेट करेगी. डेफिनेटली एज ए फाइबर सप्लायर हमने काफी अपॉर्चुनिटी में 30-40% मार्केट शेयर पहले भी जब आया है तब कैप्चर किया है. अगर इम्प्लीमेंटेशन में भी अगर स्टरलाइट इस अपॉर्चुनिटी को अवेल्यूएट करेगी और देखेगी किस तरह से हम इसमें वैल्यू मैक्सिमाइज कर सकते हैं कंट्री के लिए और कंपनी के लिए दोनों के लिए. ओके, और बाय द वे अभी आप स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का काउंटर देखिए, जिस तरह से अनुपम बता रहे थे डिटेल के अंदर 18% का मूव अभी हम उस काउंटर पे देख रहे हैं और दिवस के हाईएस्ट डेज के हाईएस्ट लेवल के ऊपर अभी वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है. अनुपम, मार्केट कहीं ना कहीं यही एंटिसिपेट कर रहा है कि जिस तरह से फेज वन के अंदर एक अच्छा ग्रोथ, एक काफी ऑर्डर्स जो कंपनी को मिले थे, कहीं ना कहीं इस फेज टू के अंदर भी काफी ऑर्डर्स मिलेंगे. अगर मुझे थोड़ा सा अंदाज आप दे सके कंसिडरिंग कंपेयरिंग फेज वन के अंदर जितने ऑर्डर्स आपको मिला था, आप कितने रफली ऑर्डर्स आप देख रहे हैं, एंटीसिपेट कर रहे हैं कि कितने ऑर्डर्स मिलेंगे आपको? सी रुशिन, थोड़ा दोनों फेज वन और फेज टू दोनों में काफी फर्क है. फेज वन में गवर्नमेंट ने डिसइंटीग्रेटेड मैनर में इम्प्लीमेंटेशन किया था, उसमें केबल अलग लिया था और इम्प्लीमेंटेशन जो है डिप्लॉयमेंट जो है अलग एजेंसी से कराया था. तो वहां हमने केवल फाइबर केबल सप्लाई में अपना पार्टिसिपेशन किया था और वो हम काफी कुछ अपने परफॉर्मेंस ऑलरेडी ले चुके हैं. जहां तक फेज टू की बात है, गवर्नमेंट ने अब इसको इंटीग्रेटेड वे में इम्प्लीमेंट करने का शुरू किया है, क्योंकि पुराना जो इम्प्लीमेंटेशन था काफी डिले और स्लो हुआ था. तो जो नया इम्प्लीमेंटेशन है इसको काफी अलग तरह से देखना होगा, हमें भी अपनी डिटेलिंग इसमें करनी होगी किस तरह से हम स्ट्रेटेजाइज करें. उसका दूसरा एक रेफरेंस मैं आपको दूं, अगर स्मार्ट सिटीज की हम बात करें जो अभी काफी कुछ सिटीज इम्प्लीमेंटेशन में आ रही हैं, तो वहां हमने प्राइवेट सेक्टर में काफी अच्छी पोजीशन बनाई है. और उस हिसाब से अगर हम देखें तो भारत नेट टू क्वांटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल होगा इस समय कि कितना अपॉर्चुनिटी, कब कैसे हम पार्टिसिपेट करेंगे और उसकी क्या वैल्यू क्रिएट होगी. बट अगर स्मार्ट सिटी में देखें तो हमने काफी अच्छी पोजिशनिंग अभी कर ली है कंपनी की, और एक कंपनी जो है ग्लोबल फाइबर सप्लायर से निकल के एक इंटीग्रेटेड ऑफरिंग के रूप में जो उभर रही है वो एक काफी अच्छा डेवलपमेंट है, और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी नेक्स्ट 2-3 सालों के लिए अलोंग विद स्मार्ट सिटी एंड भारत नेट एंड बाकी जो हम बाकी यूटिलिटीज के लिए या डिफेंस के लिए जो हम नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं उसके साथ एक्सटेंशन क्रिएट होगा हमारे लिए. ओके, फेयर इनफ. तो अनुपम, उसके ऊपर थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी तब हम वापस उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अभी नंबर्स के ऊपर फिलहाल फोकस करते हैं. बाय द वे, मैं व्यूअर्स को बता दूं कंपनी ने इस पूरे क्वार्टर के अंदर देखने जाए तो हाईएस्ट क्वार्टरली नंबर्स जो है पेश किया 745 करोड़ का, हाईएस्ट ऑर्डर बुक है 3140 करोड़ का, और उसके लिए जो एक्सपोर्ट का जो कंट्रीब्यूशन जो वो 320 करोड़ है वो भी हाईएस्ट रहा हुआ है. तो रिमार्केबल परफॉर्मेंस देखने को मिला है अनुपम, क्या वजह है कि एक इतना अच्छा ऑपरेशनली परफॉर्मेंस जो है साउंड परफॉर्मेंस हमने इस तिमाही के अंदर देखने को मिला? ये बेसिकली स्टरलाइट, एक बार और बता दूं कि ग्लोबल कंपनी है स्टरलाइट, अपने आप में यूनिक कंपनी है इंडिया में. कोई इस तरह की कोई कंपनी है जिसके पास सेंट से सिलिकॉन से सॉफ्टवेयर तक की कैपेबिलिटीज हैं इन द टेलीकॉम सेक्टर. तो जो ऑप्टिकल फाइबर है ग्लोबली काफी अच्छी डिमांड क्रिएट कर रहा है. जो टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में एवोल्यूशन हो रहा है 2G से लेके 5G तक, तो उसके चलते काफी अच्छा मार्केट हमें मिल रहा है ग्लोबली. और उसके अंदर आपने जैसे अभी बताया एक्सपोर्ट में भी हमें काफी ग्रोथ मिली, तो कंपनी की अच्छी पोजीशनिंग है कस्टमर्स में, ग्लोबल कस्टमर्स में,
वहां से अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं। अभी अगर हम देखें तो ऑर्डर बुक भी जो है 3140 करोड़ जून एंड में है, जो कि काफी अच्छी विजिबिलिटी देता है कंपनी को, एक साल के रेवेन्यू के ऑलमोस्ट ऑर्डर बुक हम कैरी कर रहे हैं। सो ये सब चीजों के चलते कंपनी ने कंटिन्यूसली सेकेंड क्वार्टर अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। 745 करोड़ हाईएस्ट रेवेन्यू है, एक्सपोर्ट भी काफी अच्छा बढ़ रहा है। हम करीब 40 से कम परसेंटेज पे एक्सपोर्ट रहते थे, वो भी ब्रीच करके 43% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से मिला है हमें। तो ये सारी चीजें काफी जो है पॉजिटिवली सपोर्ट कर रही है कंपनी को। अनुपम, एक्सपोर्ट मेरे ख्याल से 43-44% का आसपास कंट्रीब्यूट करता है टॉप लाइन के अंदर, और एक्सपोर्ट कितना बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम हो सकता है आपके लिए? सो एक्सपोर्ट हमारे लिए भी अगर ये देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है। पिछले साल Q1 में अगर हमने देखा तो उसके सामने 77-75% का हमने ग्रोथ किया 320 के सामने। पहले हमारा करीब 180 करोड़ या उसके आसपास का हमारा एक्सपोर्ट था, उससे 320 करोड़ आए हैं। पिछले क्वार्टर में भी हमारा करीब 300 से कम 280 करोड़ का एक्सपोर्ट था। तो आई थिंक जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती जा रही है, आई वुड से एक्सपोर्ट कैन बी अबाउट 35% to 40%। आई वुड से 43% मेंटेन रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे रेवेन्यू, पर्टिकुलरली जो सर्विस ऑफरिंग्स हमारी बढ़ रही हैं, उसके चलते इंडिया का रेवेन्यू काफी अच्छा बढ़ना चाहिए। तो एक्सपोर्ट एब्सोल्यूट वैल्यू में बढ़ता जाएगा, बट एज अ परसेंटेज टू रेवेन्यू इट मे रिमेन इन 35-40% रेंज। ओके, फेयर इनफ। अनुपम, मैं मार्जिन देख रहा था, हालांकि वाईओवाई बेसिस के ऊपर तकरीबन 150 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, लेकिन सिक्वेंशियल अगर मैं देखने जाऊं तो 170 बेसिस पॉइंट का डीप हुआ है उसके अंदर। अनुपम, इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन है? क्योंकि ईयर ऑन ईयर हम काफी ग्रोथ देख रहे हैं, लेकिन सिक्वेंशियली इस क्वार्टर के अंदर थोड़ा सा स्लो डाउन है, स्पेशली मार्जिन के ऊपर, इसका कोई वजह? हाँ सो रुशीन, अगर हमारे मार्जिन को देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा बहुत शॉर्ट टर्म व्यू हो जाएगा देखना, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इतना परफेक्ट कंट्रोल नहीं रहता है कि एबिटा हम एक पर्टिकुलर लेवल पे, हम एक रेंज देख के चलते हैं। और इस कंपनी का जो एबिटा है वो कई चीजों पे डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्ट रेवेन्यू और उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, और सर्विस रेवेन्यू और उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है ये आप थोड़ा वेरिएशन हमेशा पाएंगे, बट अगर हम लॉन्ग टर्म देखें कंपनी का, 5 साल का अगर हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो करीब 21-22% के करीब एबिटा आ रहा है, जो काफी सस्टेनेबली मेंटेन किया हुआ है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि हम कभी इन्वेस्ट भी करते हैं फ्यूचर ग्रोथ के लिए, तो दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ एबिटा। बट आई थिंक अगर हम साल भर के हिसाब से देखें, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, तो 20% से ऊपर का ही एबिटा हमने कभी शोकेस किया है। अनुपम, एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर आपको मार्जिन ज्यादा मिलता है कंपेयर टू डोमेस्टिक मार्केट? सो हमारा जो मार्जिन है वो ग्लोबल प्राइसिंग पे रहता है, सो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है इंडिया वर्सेस एक्सपोर्ट मार्केट। हमारा अप्रोच ये रहता है कि हम अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली डेवलप करते जाए, न्यू प्रोडक्ट डेवलप करते जाए, नए कस्टमर्स, अच्छे ग्लोबल कस्टमर्स को हम अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करते जाए, सो दैट हमारा फोकस रहता है काफी जो हमारा वॉल्यूम ग्रो कर रहा है कंटिन्यूअसली उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें, कैपेसिटी मैक्सिमम यूटिलाइज करें। सो आई वुड से इंडिया वर्सेस एक्सपोर्ट एबिटा मार्जिन जो है डिफर नहीं करता है। एक्सपोर्ट हमें हेल्प करता है टू कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अच्छी करने के लिए, काफी हेल्प करता है। ओके, फेयर इनफ। अनुपम, मैं एक्सपांशन प्लान्स के ऊपर बात करना चाहता हूं, क्योंकि जब लास्ट टाइम मैंने आपके साथ स्पेशल शो किया था तब उसके ऊपर डिटेल में बात किया था, उसकी अपडेट लेंगे। एक क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं मैं अनुपम, और उस बीच आप स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का स्टॉक देखिए, 19% की गेंस के साथ अभी वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और डेज का हाईएस्ट लेवल के ऊपर अभी वो ट्रेड कर रहा है। एक क्विकली नार को ब्रेक ले लेता रहे अनुपम, आपके साथ जोड़ाला है एक्सपांशन प्लान्स ऊपर, आप डिटेल में चर्चा करू छे नारा से। नमस्कार, इनारका ब्रेक पर आपनो स्वागत है। तरफ स्टरलाइट टेक्नोलॉजी सीएफओ अनुपम जिंदल आपके साथ जोड़ेला है। अनुपम, जब मैंने ब्रेक लिया तब हम ओवरऑल आपके मार्जिन्स कैसे, फाइनेंशियल हेल्थ क्यों स्पेसिफिकली इस क्वार्टर के ऊपर हमने बातचीत की, भारत नेट के ऊपर भी हमने काफी सारी बात की। देखिए अभी मैं थोड़ा सा एक्सपेंशन के ऊपर आना चाहता हूं। अगले जब लास्ट टाइम हमने शो किया था और डिटेल्स के अंदर उसके अंदर बातचीत की थी, लेकिन एक्सपेंशन प्लान के ऊपर अभी कोई अपडेट है? मेरे ख्याल से 30 मिलियन FKM की कहीं ना कहीं आप शुरू करेंगे इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ये कितना सही है और उसके ऊपर क्या अपडेट है सर अभी? सर रुशीन, जो हमारा फाइबर का कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रोग्राम हमने लास्ट जुलाई में लॉन्च किया था, एक साल पहले, और वो सितंबर
17 तक हमने कहा था कि हम कंप्लीट कर पाएंगे, तो अगर उसके सामने देखें तो हम 28 मिलियन एनुअलाइज रन रेट कैपेसिटी पे पहुंच गए हैं, और जो 30 मिलियन है वो भी काफी क्लियर दिख रहा है कि सितंबर तक हम पहुंच पाएंगे, तो वो एक प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके अलावा हमने अभी अप्रैल में अनाउंस किया है फर्दर एक्सपांशन प्रोग्राम 30 मिलियन से 50 मिलियन की तरफ ले जाने का। अगेन ये जो है हमारे कस्टमर्स जो हैं ग्लोबल कस्टमर्स और इंडियन कस्टमर्स, उनकी बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए हमने डिसीजन लिया था। ये एक बहुत बड़ा एक्सपांशन प्रोग्राम होगा जिससे कंपनी की जो कैपेसिटी है टॉप 3 रैंक में पहुंच जाएगी, और इसके लिए करीब हमें 2 साल का टाइम लगेगा। बाय जून 2019 ये 50 मिलियन हमारी कैपेसिटी कंप्लीट हो जाएगी। इसका जो कैपेक्स है टोटल करीब 1000 से 1200 करोड़ का रहेगा, जिसके सामने हमें विजिबिलिटी है कि काफी कुछ इसका इंटरनल एक्रूवल्स हम कर पाएंगे और थोड़ी बहुत हमें लॉन्ग टर्म बोरिंग जो लेनी पड़ेगी। बट काफी अच्छा और काफी एक्साइटिंग प्रोग्राम है कंट्री के लिए। अगर हम मेक इन इंडिया की बात करें तो काफी पॉजिटिव ये मूव है। बट अनुपम, मार्केट इज रियली लिसनिंग टू यू राइट नाउ, एंड स्टॉक अभी आप देखे कि अपर सर्किट के ऊपर कुछ मिनटों के लिए लॉक हो चुका था, वापस जो अपर सर्किट जो थी वो थोड़ी सी शेयर्स जो वापस ट्रेड होने की शुरू हुई, पर वो टेम्पररी फेज जो था वहां पर अपर सर्किट देखने को मिला था। तो अनुपम, ओवरऑल जो आपके जो एक्सपांशन जो है उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी इस लेवल के ऊपर कितना है, और जो कैपेसिटी बिल्डअप होगी आने वाले वक्त के अंदर उसके ऊपर थोड़ा सा बताए कैसे आप कौन से नए क्लाइंट्स जो आपके कंपनी के अंदर वो आप ऐड करेंगे। सो हमारा जो अभी कैपेसिटी है फाइबर ऑप्टिकल फाइबर का वो ऑलमोस्ट हम 100% कैपेसिटी पे चल रहे हैं जो अभी 28 मिलियन है। और जैसे हम 30 से 50 की तरफ जाते हैं तो कुछ बीच में भी हम कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे, अगले साल कुछ होगा और उसके बाद FY19 में कुछ होगा। सो हमें लगता है कि जैसे जैसे कैपेसिटी हमारी अपस्ट्रीम आती जाएगी, एक्टिवेट होती जाएगी, हमें लग रहा है कि जो हमें ऑर्डर बुक मिल रही है आज की तारीख में जो हम लॉक करते जा रहे हैं उसके चलते कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है 95 से 100% की हमें पूरी उम्मीद है कि रहेगा। उसके अलावा एक हमारा जो डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट है फाइबर से फाइबर केबल बनाने का, वो हमारी कैपेसिटी आज की तारीख में 15 मिलियन है इंडिया में, और उसका भी 60% यूटिलाइजेशन के रन रेट पे हम हैं, और आने वाले 2 वर्षों में हम देख सकते हैं कि वो कैपेसिटी जो है 100% की तरफ डेफिनेटली जाएगी। और जैसे जैसे हम 100% की तरफ जाएंगे तो हम सोच सकते हैं कि 15 मिलियन को भी कैसे आगे बढ़ा के 20 या 25 मिलियन किया जाए तो ज्यादा मार्केट शेयर हम कर पाएंगे। फेयर इनफ। अनुपम, मैं आपके ऑर्डर बुक्स देख रहा था, और हालांकि प्रोडक्ट्स का जो आपका जो सेगमेंट जो उसके अंदर रैपिडली आपने को ऑर्डर्स मिला हुआ है, मैं Q2FY17 से लेकर Q1FY18 की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ ही अगर मैं सर्विसेज का कारोबार देखूं तो ऑर्डर्स इतने जल्दी नहीं मिल रहे, उसके पीछे क्या वजह है कि सर्विसेज जो सेगमेंट जो उसके अंदर ऑर्डर्स बुक के अंदर थोड़ा सा स्लोडाउन हम देख रहे हैं? सो सर्विसेज बिजनेस जो है हमारा इंडिया फोकस बिजनेस है, और इसके अंदर एक बड़ा प्रोजेक्ट हमारा जम्मू एंड कश्मीर में चल रहा है जहां हम डिफेंस के लिए अपनी आर्मी के लिए काफी सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट हमारा ऑनगोइंग है और हमें उम्मीद है इस साल में हम पूरा कर पाएंगे उसको। बट उसके अलावा हमने जो स्मार्ट सिटीज हैं इंडिया के अंदर कुछ आए हैं, जयपुर, अहमदाबाद एंड गांधीनगर, और अभी हमें रिसेंटली काकीनाडा एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो शुरू में हमें मिली थी करीब 1.5-2 साल, 3 साल, 2.5 साल पहले, उसको बेस बनाते हुए नई अपॉर्चुनिटी में हमने पार्टिसिपेशन शुरू किया है। कुछ ऑर्डर्स हमने पार्टिसिपेट किए हैं बट अभी उनका रिजल्ट या अवार्ड नहीं हुआ है, तो जैसे उनका ओपनिंग होती है, बिड ओपनिंग होती है, अगर स्टरलाइट उनमें बनता है एलिजिबल बिडर, तो हमें लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी काफी जल्दी मटेरियलाइज होगी। बट ये हम देख रहे हैं कि सर्विस बिजनेस हमने जो हमारी ऑफरिंग्स है इंटीग्रेटेड ऑफरिंग्स है नेटवर्क क्रिएशन की, वो 2 से 3 साल पुराना एक नया बिजनेस सेगमेंट हमने शुरू किया है, और अगर हम बेस की तरफ देखें तो बेस काफी स्ट्रांग हो गया है, ग्रोथ आपको थोड़ी स्लो दिख रही है लेकिन आने वाले 2 सालों में ये काफी बड़ी स्केलर ग्रोथ हो सकती है कंपनी के लिए अलॉन्ग विद द ग्लोबल ऑफरिंग ऑफ द फाइबर एंड केबल प्रोडक्ट। ये जो सर्विस बिजनेस वर्टिकल हमने क्रिएट किया है अलॉन्ग विद द सॉफ्टवेयर, ये एक अच्छा ग्रोथ ड्राइवर हमारे लिए बन रहा है। जी बिल्कुल, डेफिनेटली वो काफी अच्छा और बड़ा ग्रोथ ड्राइवर आपके कंपनी के लिए बन रहा है। अनुपम, स्मार्ट सिटीज अपॉर्चुनिटीज के अंदर मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। आपने काफी सारी जो स्मार्ट सिटीज के अंदर काफी ऑर्डर्स को आपको बिड भी किया हुआ था, कुछ प्रोजेक्ट्स आपको जीते भी थे उसके अंदर, उसके बारे में बताया टाइमलाइन क्या रहेगी, एग्जीक्यूशन कब होगा उसका? सो एक काफी अच्छा फेज चल रहा है जहाँ अक्रॉस द कंट्री
काफी स्टेट जो हैं अपनी अपनी सिटीज को स्मार्ट सिटी बनाने में प्लान कर रहे हैं। कंपनी स्टरलाइट ने शुरू में कुछ छोटी पायलट प्रोजेक्ट की तरह से हमने गांधीनगर, अहमदाबाद और जयपुर में काम शुरू किया था। काफी अच्छी रिस्पांस मिला, हमने टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीट किए। कुछ प्रोजेक्ट अभी ऑपरेशनल और मेंटेनेंस मोड में भी चल रहे हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है कंपनी के लिए, साइज बड़ा होता जा रहा है। काकीनाड़ा जो अगर देखें तो ये 3 से 4 गुना बड़ी अपॉर्चुनिटी है जयपुर और गांधीनगर के सामने। इसका एग्जीक्यूशन जो है हमारा करीब 6 महीने से 12 महीने के अंदर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर उसका मेंटेनेंस में जाएंगे, ऑपरेशन में जाएंगे। तो इसके अलावा भी कई अपॉर्चुनिटी जो अभी कंट्री में हमने देखी आई भी हैं, उनमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। हमारा जो ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि कंपनी अपनी कैपेबिलिटीज को लेवरेज करते हुए अच्छे से अच्छे ऑफरिंग, अच्छा से अच्छा सॉल्यूशन हम डिलीवर करें, इम्प्लीमेंट करें, ताकि ये सस्टेनेबल रहे। एट द सेम टाइम कंपनी ये चाहेगी कि अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो एक लेवल पे मेंटेन करे, ताकि अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं और उनके अंदर हम अपने सेलेक्टेड वे में पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि शेयर होल्डर्स के लिए भी काफी अच्छी वैल्यू क्रिएट करें। एट द सेम टाइम कंट्री को भी एक अच्छी स्मार्ट सिटी का मॉडल जो है प्रेजेंट कर सकें। जी बिल्कुल, और उसके साथ ही आपके शेयर होल्डर्स भी काफी खुश होंगे अनुपम, क्योंकि एक ऑपरेशनली काफी अच्छा क्वार्टर रहा है और कहीं ना कहीं शेयर प्राइस के अंदर भी उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। अनुपम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारा पूरा डिस्कशन करने के लिए। भारत नेट के ऊपर हमने काफी सारा डिटेल में बात नहीं किया, उसके ऊपर जब भी क्लैरिटी आएगी तब हम वापस आपसे उसके ऊपर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार क्विकली अत्यारे स्टरलाइट टेक्नोलॉजी काउंटर्स ऊपर तमे नजर करी लो, 19% नी तीजी स्टॉक ऊपर, हालांकि थोड़ो टेम्पररी फेज ऊपर यहाँ अपर सर्किट लागती जोवा मळी हती, परंतु हवे स्टॉक फरीवार अत्यारे ट्रेड करतो जोवा मळे। सामान्य दिवस करता पण 8.5 गणो वोल्यूम आ काउंटर ऊपर छे। ऑपरेशनली खूब सारा परफॉर्मन्स हता अने कैपेक्स साइकल पूरी थई चुकी छे, तो हवे ओपेक्स खाली रहतु जोवा मळशे अने पछी सीधू जशे रेवन्यू जशे ते सीधू यहाँ चोखा नफामां आवतो जोवा मळशे, एना कारणे पण स्टॉक खासो रीरेट थतो जोवा मळे छे अत्यारे। પરંતુ એ સારી જતારે સમય થઈ ચૂક્યો છે રજા લેવાનો, આપણી કંપનીમાં અત્યાર સુધી આટલું જ, અને વધુ સમાચારો માટે તમે જોતા રહો CNBC બજાર। નમસ્કાર।